धनतेरस इस बार शुभ दिन पड़ रही है। धनतेरस को प्रयास करिए, अपने घर में कुछ चीज़ें जरूर लानी चाहिए, जैसे बर्तन जरूर लाने चाहिए, चांदी का सिक्का हो सके तो ज़रूर लाना चाहिए, झाड़ू ज़रूर लानी चाहिए और चना की दाल हो सके तो लाना चाहिए, ऐसा पीतल का कोई बर्तन लाना चाहिए और अगर आपकी सामर्थ्य में हो तो स्वर्ण की भी कोई वस्तु खरीदनी चाहिए। और धनतेरस के दिन विशेष रूप से, वैसे तो कार्तिक के महीना जब शुरू होता है तो कार्तिक के महीने में शुरू दिन से ही माताएं अपनी घर की दहली पर दिया लगाना शुरू कर देती हैं, लेकिन कार्तिक के शुरू दिन से ही जो माताएं घर की दहली पर दिया नहीं लगा पाती हैं वो कम से कम धनतेरस से तो ज़रूर ही शुरू कर देती हैं। धनतेरस जो विशेष रूप से त्यौहार है वो जब समुद्र मंथन चल रहा था, कार्तिक के महीना विशेष रूप से इसीलिए भी जल के निकट रहने का महीना है क्योंकि इस समय देवताओं ने समुद्र मंथन किया। देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया तो ये जो एक एक दिन है वो हरेक एक एक दिन समुद्र से कुछ ना कुछ वस्तु निकलने का दिन है। जब समुद्र मंथन हो रहा है, एक लंबे समय तक समुद्र मंथन चल रहा है, तो विशेष रूप से ये जो काल है ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले निकला विष तो महादेव ने उस विष को पिया, इसीलिए कार्तिक का जो प्रदोष है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रदोष माना जाता है क्योंकि इस प्रदोष के समय महादेव ने विष पिया है। इसीलिए लोग विशेष रूप से शिव की पूजा करते हैं और जो जहाँ पर कूड़ा पड़ता है वहाँ पर दिया ज़रूर जलाते हैं। हमारे गांव में तो घूरा बोलते थे, घूरे पर दिया ज़रूर जलाया करते थे। उसका कारण ये है कि जब महादेव ने विष पान किया तो विष की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिनको सर्प आदि विषैले जीवों ने लिया है, जिनको कई पेड़ों ने लिया जो विषैले हो गए, तो उनको हम एक तरह से दीप जला करके ये कहते हैं कि आपने विष पान किया है हमारे लिए, तो इस विष से हमारा अकल्याण करने की बजाय इस विष से हमारा कल्याण करें, जैसे महादेव हमारे लिए कल्याणकारी हैं ऐसे ही आप भी हमारे लिए कल्याणकारी बने। तो सर्प कल्याणकारी कैसे है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है और ऑक्सीजन अपनी सांस से छोड़ता है, इसीलिए सृष्टि के लिए कल्याणकारी है। ऐसे कई पौधे हैं जैसे त्रफला है, त्रफला है तो जहर, लेकिन उसी त्रफला का शोधन किया जाए तो त्रफला जैसी कोई औषधि नहीं है। ऐसे कई औषधीय पेड़ हैं जो हैं तो विष, लेकिन उनका शोधन करके उनको औषधि बना दिया जाता है। ऐसे कई विषैले जीव हैं जो है तो विषैले जीव, किसी को मार सकते हैं, तुरंत मार सकते हैं अपने जहर से, लेकिन वो कहीं ना कहीं सृष्टि के लिए कल्याणकारी होते, तो उनकी याद करके हम घूरे पर दिया जलाते हैं इस दिन, जिसे हम प्रदोष बोलते हैं और धनतेरस की विशेष हम पूजा करते हैं। और धनतेरस की सांझ को विशेष कुबेर भगवान की पूजा होती है। नेवले का दिखना बहुत शुभ होता है, कहते हैं यंत्र हम घर में लाते हैं जिसमें नेवले पर विराजित कुबेर भगवान का चित्र हो, ऐसा हम लेकर के आते हैं क्योंकि इसी दिन धन के देवता कुबेर को भी स्थापना मिली थी अमरापुरी में। जब अमरावती में इनको स्थापना मिली तो उस दिन, यही वो दिन है जब इन्होंने, इनका वाहन है नेवला, जब इन्होंने कहा कि मैं संसार के लिए आपकी तरह, जैसे महादेव आप कल्याणकारी हैं ऐसे ही मैं जगत के लिए कल्याणकारी होऊंगा, मैं जगत का हित करूंगा। भारत भूमि पर आज पहले बहुत से महात्मा ऐसे थे, आचार्य ऐसे थे जो स्वर्ण की बनाने की विधि जानते थे। धरती में से आज भी अगर सोनभद्र आदि के इन्हीं किन्हीं पहाड़ों में जाएंगे तो वहाँ पहाड़ों की खुदाई ही इसलिए होती है कि वहाँ से स्वर्ण निकलता है। मध्य प्रदेश में कई पन्ना कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर रत्न मिलते हैं, वहाँ से खोद खोद के पहाड़ों को रत्न निकाले जाते हैं, स्वर्ण के टुकड़े निकाले जाते हैं। ये धरती, ये भारत भूमि
बहुत प्यारी भूमि है, ये सब कुछ देती है, ये पूरा खजाना है, इसीलिए तो इसे लूटने के लिए मुसलमान आए, अंग्रेज आए, बार बार लूटने के लिए इसीलिए तो यहाँ आते रहे हैं। तो भगवान कुबेर ने मनुष्य को सब कुछ दिया, इस भूमि को सब कुछ दिया, इसीलिए हम कुबेर की इस दिन पूजा करते हैं। और फिर उसके बाद धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, अश्विनी कुमारों को उस विद्या का दान मिला, अश्विनी कुमारों ने उसे संसार में बांटा। धन्वंतरी भगवान आरोग्य के देवता होते हैं, इसीलिए इस विशेष दिन को, चूँकि भगवान शिव ने विष पिया, भगवान कुबेर ने संसार को संपत्ति का दान दिया और भगवान धन्वंतरी ने अमृत का अर्थात औषधीय तत्व आरोग्यता का दान दिया, इसीलिए इसे तेरस माने धन तेरस, तीन देवताओं के प्राकट्य का दिन माना जाता है। और विशेष रूप से धन तेरस पर हम दीप जलाते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं, शुभ चीज़ों को घर में लेकर के आते हैं। तो आप लोग धनतेरस का त्यौहार मनाएंगे 29 अक्टूबर को, तो विशेष रूप से ये त्यौहार मनाया जाएगा।